हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। अभी मैं गाड़ी में हूं। कुछ लोगों के डाउट हैं, देखो कई तरह के सवाल थे कि माइलेज क्यों कम देती है, जो पावर बैंड है वो किस तरह से बिहेव करता है। पावर बैंड मतलब जो टैकोमीटर है हमारा, जिसमें आरपीएम मीटर जिसे बोलते हैं, उसमें इतने आरपीएम पे आके एकदम तेज एक्सेलरेट करती है, इतने आरपीएम पे कम करती है। तो देखिए, इंजन को कंपनी अपने अकॉर्डिंग ट्यून करती हैं किस तरह से उसको पावर डिलीवर करनी है। जो ड्राइवर है वो बनी हुई है जो लो एंड टॉर्क है, लो एंड टॉर्क पे बेटर परफॉर्म करने के लिए। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो गाड़ी है ट्रैफिक में बार बार, आपको देखा होगा आपने गाड़ियाँ कई, जैसे गाड़ी थोड़ी स्लो हुई, थर्ड गियर में थी, उसको सेकंड में लाना पड़ता है, नहीं तो वो क्लच छोड़ते गड़गड़ गड़गड़ करने लगती है, नहीं तो हम कहते हैं लोड नहीं ले पा रही है, एसी बंद करना पड़ जाता है। ये क्विड में आती थी पहले, जो पिछली जनरेशन थी उसमें दिक्कत आती थी, ये अभी भी आती है दिक्कत। लेकिन इस इंजन की क्या ट्यूनिंग है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो से। कितनी कम स्पीड पे कौन से गियर में गाड़ी उठ सकती है, ये है इसका कमाल। अभी मैं आपको इसका डेमो करके दिखाता हूँ, आप वो देखिए। देखिए आगे है बिल्कुल स्ट्रेट रोड, सबसे अच्छी जगह है ये टेस्ट करने के लिए। तो मैं इस तरह से कुछ इसको सेट करता हूँ कि आपको दिखता रहे। अभी ये देखिए गियर है हमारा थर्ड पे, ये आप देखिए थर्ड गियर है। और मैं ये वाला हाथ, एक हाथ से मैंने अपने राइट हैंड से फ़ोन को पकड़ रखा है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक हाथ मेरा ये है यहाँ पर। इससे आपको पता लग जाएगा मैं गियर को ऊपर नीचे नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आपको इस जगह दिखाना है स्पीड जस्टिफाई होती रहे। तो अब देखिए इसका कमाल, ये कहाँ से ऊपर तक उठाएगी। एसी चालू है, मैं ये देखिए एसी को दो नंबर पर कर लिया, थोड़ी गर्मी लग रही है तो जो हवा आएगी वो आपको एसी की सुनाई देगी, शीशे बंद हैं। तो देखिए एसी ऑन है, हाथ मेरा ये रहा। आगे देखिए अब ये कितनी कम स्पीड से कहाँ तक उठ सकती है। थर्ड गियर में है गाड़ी, दोबारा दिखाता हूँ थर्ड गियर। अब देखिए 20, जो गियर शिफ्ट इंडिकेटर है वो दिखाएगा आपको, लेकिन मैं कैपेबिलिटी दिखाना चाह रहा हूँ। 19, ये ऑटोमेटिकली अपने आप गाड़ी बढ़ रही है। ये देखिए मैं स्लो करता हूँ इसे, 17, कोई जर्क नहीं है। अब देखिए सिर्फ मैंने एक्सेलरेट किया है, और आप टाइमिंग्स नोट करना, ये देखिए थर्ड में ही है अभी गाड़ी, 83 पर गाड़ी चली गई है, ये आप खुद समझिए इस चीज़ को। इंजन की आवाज़ है तो देखिए, ओवर रैव कर रहा हूँ, होगी आवाज़, लेकिन मैं आपको कैपेबिलिटी दिखाना चाह रहा हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। इस चीज़ को लोग देखकर खूब इम्प्रेस होंगे, यही है इंजन का कमाल कि आपको बार बार गियर शिफ्ट नहीं करना पड़ता, डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ता अगर काफ़ी स्लो ट्रैफिक हो गया है। अब देखिए अब दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर आपको दिखेगा 17, 16। अब ये देखिए बिना किसी, कोई क्लच मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधा आपको सडन एक्सेलरेशन दिखता चला जाएगा। ये देखिए आप देखिए, ये है इसका कमाल, ये होती है इंजीनियरिंग। 1000 सीसी का गाना मत गाओ, जो क्वालिटी है वो आप देखो, कैसे इसको किस जगह पर पावर डिलीवर करने के लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया इंजन को। आपने देखा अभी, मतलब 16 की स्पीड से थर्ड गियर रहा, 16 की स्पीड से गाड़ी टॉप, मतलब 83 की स्पीड तक चली गई बिना किसी क्लच मूवमेंट के, कोई जर्क नहीं आया 16 पर भी। और जो बैंड था वो तो आपने देख लिया, रैव तो ज़्यादा होनी थी, लेकिन फिर भी कोई फ्लैट स्पॉट नहीं आया, ये चीज़ देखने वाली है। कई जगह होता है अगर आपको रैव बैंड दिया हुआ है 6000 RPM तक, लेकिन 4500-5000 RPM के बाद एक फ्लैट स्पॉट आ जाता है, इसमें कहीं नहीं आया। जहाँ तक मैं लेकर गया 83 तक लेकर गया, 83 तक गई गाड़ी, इसी को कहते हैं दम। तो अगर आपको ये एक ट्रायल, एक इसका एक टेस्ट ये अच्छा लगा हो लो एंड टॉर्क का, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद। Being a fan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.